हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बैक नेक में पट्टी लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरह से उसको बहुत अच्छे से फिट बिठा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्रंट नेक तो तैयार कर लिया है और बैक नेक की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना भी डीप आपको रखना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आगे वाले नेक से बस देखिए साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों साइड से। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद बारी आती है इसकी पट्टी लगाने की। तो पट्टी मैंने ये उरेब में कट की है और ये फैब्रिक कम था तो मैंने इसमें जॉइंट डाल दिया है बीच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उरेब में पट्टी किस तरह से कट होती है मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक लेना है और अगर ये बिल्कुल सीधा है तो इससे हमारी उरेब में पट्टी नहीं कट होगी। हमें फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है, देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, तो यानी कि हमें जो पट्टियाँ कट करनी होती हैं वो फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना होता है साइड से, तभी हमें उससे कट करना होता है। और ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, आप चाहें तो 2 इंच भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी तैयार है गले में लगाने के लिए। अब किस तरह से लगानी है आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर की सिलाई कर ली है। और मैंने किस तरह से कुर्ते को रखा है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने उल्टा करके रखा है उसे, और जिस पे सिलाई लगाई है उसी पर मैं थोड़ा सा दोबारा रखूँगी, सिलाई लगाऊँगी। और यहाँ पर मैंने पट्टी ले ली है और पट्टी को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड किया है और ये सीधी है, इसे हमें उल्टा नहीं रखना है, सीधा ही रखना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर ऐसे निकालना है पट्टी को और तब हमें इस पर सिलाई लगानी है, जहाँ तक आगे वाले नेक तक हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। देखिए ध्यान से देखेंगे आप तो वीडियो को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से पट्टी लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जहाँ आगे वाला नेक ख़त्म होता है वहीं तक मैंने सिलाई लगाई है और इसको मैं डबल कर रही हूँ जिससे ये पक्का हो जाए, ये निकलेगी नहीं हमारी फिर सिलाई। उसके बाद हमें पट्टी को खींचना है और गले को नहीं खींचना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, पूरे में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। आप करीब 1/2 इंच से भी कम का गैप देकर इस पर सिलाई लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से फिट बैठ जाएगी। बस ध्यान रखिए कि हल्का सा आपको पट्टी को खींचना है, गले को नहीं खींचना है। और ये दोनों साइड से हमने इसी तरह से जॉइन कर दी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है अब हम इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखकर हम इसको कट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें दोनों पट्टियों को इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो इससे आपका जो नेक है उसमें बहुत ही अच्छे से सफाई आएगी। आप इसी तरह से पट्टी लगाकर देखिएगा। दोनों तरफ से मैंने सीधा कर दिया है और इसके बाद आप चाहें तो इसको सुई धागे की हेल्प से आप तुरपन जो होती हैं वो कर सकते हैं या फिर आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से सिलाई लगा कर दिखा दूँगी तो ये सिलाई भी आपकी चल जाएगी, इससे भी बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। और देखिए सिलाई लगाने से पहले हम छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा देंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छे से शेप आएगा गले का। तो पूरे में मैंने इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा दिए हैं, इससे हमारी गोलाई बहुत अच्छे से आ जाती है। और देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये बहुत अच्छे से फिट बैठी है। ये मैं बिना आपको प्रेस किए हुए दिखा रही हूँ और बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो रही है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।